हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग आपकी असेसमेंट करने वाले हैं, जो आपकी इंग्लिश की असेसमेंट है क्लास 8th स्टूडेंट की। देखो, मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप इसे खुद जरूर सॉल्व करोगे। एक बार मेरी वीडियो देखने से पहले एक बार खुद जरूर सॉल्व करोगे, जिससे कि ये हो कि आप लोगों ने खुद ट्राई किया, क्योंकि एक तरीके से आपको टेस्ट दिया हुआ है आपके स्कूल की तरफ से। आप लोग खुद जरूर ट्राई करेंगे, फिर आप लोग यहां से वर्कशीट से कंप्लीट कर सकते हैं। देखिए इसमें आपका क्या दिया गया है। सबसे पहले आप लोग अपना सब्जेक्ट लिख लेंगे, सब्जेक्ट आपका इंग्लिश है, देखिए ठीक है। फिर आप लोग लिखेंगे अपनी क्लास, क्लास आपकी 8th, ठीक है, 8th क्लास है आपकी। वर्कशीट का नंबर, असेसमेंट नंबर 3 है और 15 सितंबर की आपकी असेसमेंट, ठीक है बच्चों। असेसमेंट वर्कशीट नंबर 3, इसमें देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि हमने एक चैप्टर पढ़ा था अमलास, ठीक है, जिसमें वो बीच पे गई होती है, तो वो व्हाई डिड अलमास फादर बैक अप हिज फैमिली, अलमास के फादर उसकी फैमिली को क्यों उठाते हैं, क्योंकि उन्होंने क्या देखा होता है, उन्होंने देखा होता है कि एकदम से क्या पानी की तरफ आ रहा है, तो उन्होंने देखा टू रश देम, मतलब हमें सेफर साइड पे जाना चाहिए, ठीक है। तो ये आपका इसका बी हो जाएगा। सेकंड दिया गया है, अलमास डिड नॉट वांट टू टॉक अबाउट द इंसिडेंट विद एनीवन, बिकॉज वो किसी से टॉक नहीं करना चाहती थी उसके बारे में। सी वाज शॉक्ड, वो शॉक दी लॉस्ट हर फैमिली मेंबर, उसने अपनी फैमिली मेंबर्स को खो दिया था। थर्ड, अलमास मदर एंड आंट्स कुड नॉट बी सेव फ्रॉम द सुनामी, बिकॉज वो सुनामी से क्यों नहीं बच पाए थे, क्योंकि जो उसका ट्री था वो क्या था, अपरूटेड हो गया था, जड़ से ही उखड़ गया था, इसलिए वो लोग नहीं बच पाए थे, नहीं तो वो उस ट्री के थ्रू बच जाते। वाई डिड टिलीज फैमिली कम टू थाईलैंड, थाईलैंड टिलीज की फैमिली क्यों आई थी, वो किस लिए आई थी बच्चों, क्रिसमस सेलिब्रेट करने आई थी, आप लोगों को ये पता होगा, इसलिए आई थी टू क्रिसमस सेलिब्रेट करने, कहाँ पे आई थी, थाईलैंड में आई थी, ठीक है। अब देखिए, अब इसमें दिया गया है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 5th, वेयर डिड द स्मिथ फैमिली एंड द अदर्स ऑन द बीच गो टू एस्केप फ्रॉम द सुनामी, ठीक है, वो कहाँ चले गए थे, वहाँ से भाग के थर्ड फ्लोर पे चले गए थे, किसके, होटल के, जिससे कि वो बच पाए, ठीक है। लास्ट दिया हुआ आपका, सुनामी कैन बी कॉज बाय, सुनामी बच्चों किसके द्वारा होती है, तो इन दोनों को मिलाकर, अर्थक्वेक आता है पहले समुद्र के अंदर, फिर बेलकॉन्स, फिर जाके आपका बच्चों सुनामी होता है, ठीक है, ए एंड बी दोनों आ जाएगा इसमें। देखिए आगे दिया गया है आपका, टिली सो द सी स्लोली, टिली सो द सी, तो इसमें भी बच्चों उनने क्या देखा, राइज होते हुए भी देखा और स्टार्ट एक फॉर्म भी देखी, तब उसने लोगों को बताया कि मैंने ऐसे ज्योग्राफी चैप्टर में पढ़ा हुआ है, ऐसा होता है तब सुनामी के चांसेस होते हैं, ठीक है। अब 8 में सुरेश इज डैश देन द सुने दिनेश, ठीक है, आपको डैश कंप्लीट करना है, तो ये बच्चों आपका आ जाएगा यंगर, सुरेश जो है यंगर है किससे, दिनेश से, मतलब कि सुरेश छोटा है किससे, दिनेश से। 9 में पूछा है राजस्थान इज द डैश स्टेट ऑफ इंडिया, तो राजस्थान जो है बच्चों वो लार्जेस्ट स्टेट है किसका, इंडिया का, सबसे लार्जेस्ट स्टेट क्या है, राजस्थान है इंडिया का। सुनामी इज अ, सुनामी एक क्या है, डैश कौन सी वेव है सुनामी, तो आपको इसमें बताना है कि सुनामी आपकी कौन सी वेव में आता है, ये तो एक डेंजरस वेव है, ठीक है। तो ये थी आपकी वर्कशीट, होपफुली आपके 10 ही क्वेश्चन दिए, हाँ तो आपके 10 के 10 क्वेश्चन कंप्लीट करा दिए गए, तो आप लोग ये कंप्लीट करके अपने टीचर को जरूर सेंड करेंगे, और नीचे बच्चे कमेंट करके बताएंगे कि आपके कितने क्वेश्चन सही थे और आपके कितने इनकरेक्ट क्वेश्चन निकले हैं मेरे इससे मैच करने के बाद, ठीक है बच्चों। और सभी बच्चे गेम में जरूर पार्टिसिपेट करेंगे, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया, आप वहाँ से क्लिक करके वीडियो देख सकते हो, उस पर मैंने ऑनलाइन बताया, अनबॉक्सिंग दिखाई है, वहाँ पे जाके आप पार्टिसिपेट कर सकते हो, ठीक है स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय, बी सेफ, स्टे हेल्दी, जय हिंद जय भारत।